गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नगर विस्तार स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का शिलान्यास किया, साथ ही गोरखपुर को 1900 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। यही होती है विकास, और यही चीज दिखा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, देश विकसित भारत होगा। विकसित भारत का मतलब हर चीज की सुविधा जनता जनार्दन को उपलब्ध होगी, बिना भेदभाव के उपलब्ध होगी। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा, हमारा भारत बदल चुका है। 10 वर्ष में ये भारत आज दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है। सुरक्षित भारत है, समृद्ध भारत है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भारतवासी से कहा है, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। मेरे साथ बोलेंगे, हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है। फर्टिलाइजर, ये 4 लेन की सड़क, मेडिकल कॉलेज, एम्स, रामगढ़ ताल, नए नए विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल स्टेडियम, ये राप्ती नगर विस्तार का कार्य, गोडवा नाली का सुंदरीकरण का कार्य, ये सभी विकसित गोरखपुर की नई पहचान बनने जा रहे हैं। नई पहचान, और उसके साथ जुड़ेगी आपकी पहचान। ये सभी कार्य जब पूरे होंगे तो आपकी इनकम को भी ये बढ़ाएंगे, हर व्यक्ति की इनकम को बढ़ाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेंगे। और बहनों भाइयों, इसीलिए इन योजनाओं के लिए आज फिर मैं यहाँ पे आया हूं, यहाँ पे फिर से आया हूं, कि जिससे इसका लाभ यहाँ के युवाओं को मिल सके, गरीबों को मकान सस्ते में उपलब्ध हो सके। अब हर व्यक्ति को रवि किशन की तरह खरीद नहीं सकता महंगा महंगा मकान। हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप मकान भी चाहिए। किसी को LIG का, किसी को MIG का, किसी को HIG का, किसी को PM आवास योजना का, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को अन्य चीजें चाहिए। ये सभी प्रकार की सुविधा का लाभ हर व्यक्ति को जब प्राप्त होगा तो तब व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली आएगी, और उस खुशहाली के लिए ही आज यहाँ पे 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लेकर के हम सब यहाँ पर आए हैं। बहनों और भाइयों, इसमें यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी के साथ ही करोड़ों रुपए इस कार्य के लिए स्वीकृत हुए हैं, और ये कार्य यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही शहर की गली मोहल्ले से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्य, जिन कार्यों को यहाँ पर आज लोकार्पित किया जा रहा है, कहीं RCC की सड़क है, कहीं नाली का कार्य है, शहर के अंदर विकास प्राधिकरण ने हर विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास दे दी है। यानी अब स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट क्लास भी होगी और स्मार्ट युवा भी होगा। यानी रवि किशन के साथ, रवि किशन स्मार्ट है इसलिए हीरो बन गया, हमारा हर युवा अब स्मार्ट बनेगा, हमारा शहर भी स्मार्ट बनेगा, और स्मार्ट सिटी का स्पोर्ट्स सिटी राप्ती नगर विस्तार में, यहाँ की गली मोहल्लों में अच्छा कार्य हो रहा है, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो रही है, सिवर लाइन पड़ रहा है, पेयजल की उचित व्यवस्था हो रही है, हर सुविधा से संपन्न गोरखपुर हो रहा है। और गोरखपुर की इन सभी योजनाओं के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश आज जिस ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है,
10 वर्ष में देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 3 वर्ष महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल अगले 3 वर्ष के अंदर भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने का मतलब आप जानते हैं, हर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, कई गुना बढ़ जाएगी। जो सुविधा अभी आपको प्राप्त हो रही है, किसी को राशन की सुविधा, किसी को मकान की सुविधा, किसी को शौचालय की सुविधा, किसी को आयुष्मान भारत की सुविधा, किसी को उज्ज्वला योजना की सुविधा, किसी को रोजगार की सुविधा, किसी को पीएम विश्वकर्मा की सुविधा, किसी को कन्या सुमंगला की योजना, किसी को मातृवंदना की योजना, किसी को जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा की योजना, ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सभी आपके जीवन में परिवर्तन का कारक बनने जा रही है। यानी ये सभी योजनाएं आपको एक नई पहचान देने जा रहे हैं। और अभी तो इतना दिया गया है, आप देखना जब भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा तो हर व्यक्ति आच्छादित होगा, सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 100% सिचुएशन, हर व्यक्ति इसके लिए एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। आईडी फैमिली आईडी प्रारंभ करने जा रहे हैं।